हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लखनवी शेफ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए मैंने उसका फेवरेट चॉकलेट केक बनाया, तो सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 1 कप शुगर यानी चीनी, 1.5 कप होल व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा, 1 कप दूध, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 3 टेबल स्पून कोका पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑयल 3 टेबल स्पून। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम शुगर और दूध को ऐड करके उसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इतना विस्क करेंगे कि हमारी जो शुगर है वो दूध में अच्छी तरह से घुल जाए। अब हमारी चीनी घुल चुकी है। अब इसमें हम एक छन्नी की मदद से आटा और कोका पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक साथ मिला करके छान लेंगे और उस चीनी और दूध के मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे। हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को इसलिए छान रहे हैं ताकि इसमें जो भी लम्स हों वो निकल जाए। जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सबको थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहें और वीडियोज़ को वॉच करते रहें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे इस बैटर में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे। आपके पास अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। और हम इसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड करेंगे, यानी कि तेल। हमने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। ये हम एगलेस केक बना रहे हैं, इसलिए हमने एग्स का इस्तेमाल नहीं किया है और उसकी जगह पर हम यहाँ पर फ्रेश लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस को हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि वो सिट्रिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, इसलिए वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा, इसलिए लास्ट में ऐड करेंगे। और अच्छे से हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मोल्ड ले करके उसको बटर से ग्रीस कर लेंगे। हमने रेक्टेंगुलर मोल्ड लिया है, आप चाहें तो सर्कल या फिर स्क्वायर या जैसा आपको पसंद है उस शेप का मोल्ड ले सकते हैं। नीचे हमने बटर पेपर लगा दिया है और अब हम बैटर को इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जो भी इसमें एयर हो वो बाहर निकल जाए। इसको हम माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं। माइक्रोवेव में हम 5 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। हमारे माइक्रोवेव की पावर ज़्यादा है इसलिए हमने 5 मिनट्स के लिए रखा, और ये क्लीन हमारी टूथपिक निकली है, हमारा केक डन हो गया। इसको हम साइड पे 5 मिनट्स के लिए और रख देंगे। आपकी माइक्रोवेव की सेटिंग के हिसाब से ये 5 to 8 मिनट्स भी वारी कर सकता है। आप टूथपिक से चेक कर लें कि आपका केक डन है या नहीं। दूसरी तरफ अब बना रहे हैं हम चॉकलेट गनाश, जिसके लिए हमने 2 टेबल स्पून कोका पाउडर लिया है, 2 टीस्पून शुगर ली है और 1/2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है और 1/2 कप हमने मिल्क लिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा ये जो गनाश है ये थोड़ा सा थिक हो जाए, और इसको साइड पे रख लेंगे। अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है।
इसको एक वायर रैक पे हम रख करके इसका पीछे का जो बटर पेपर है वो हटा देंगे और केक की हम साइड चेंज कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम आइसिंग के तौर पे जो गनाश हमने बनाया था वो हम आइसिंग कर देंगे। उससे आप किसी भी और आइसिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नाइफ की हेल्प से हम इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे और ये हमारा यमी चॉकलेट केक रेडी है। क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है इसलिए हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे और ये हमारा फाइनल लुक है केक का। आप चाहें तो अपने मनपसंद आइसिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी।